कहां सीआरपीएफ दफ्तर में धमकी वाले ईमेल से हड़कंप मचा। नक्सलवाद के खिलाफ क्या बड़ी तैयारी की गई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। राष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। आज बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाला युवा बीजेपी की नीतियों और बीजेपी के प्रयासों के साथ है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया और उसके लिए काम किया। सीआरपीएफ के मुंबई दफ्तर में अज्ञात मेल से हड़कंप मच गया। इस मेल में आतंकी हमले की बात कही गई है, साथ ही सीरियल ब्लास्ट की धमकी भी दी गई। मेल में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा होने की बात कही गई। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि मेल कहां से जनरेट हुआ और इसके पीछे कौन है। बीजापुर हमले के बाद नक्सलवाद पर नकेल कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई। नक्सलियों के टॉप कमांडर की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें हिडमा, कमलेश उर्फ लच्छू, लालू दंडामी समेत 8 कमांडर के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। इन सभी के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहादत देने वाले वीर सपूत असम के बाबुल राभा के अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ा। गोवालपारा के दुधने गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद बाबुल राभा को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। छत्तीसगढ़ के बांसगुड़ा सीआरपीएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई रुकेगी नहीं, अब ये और तेजी के साथ जारी रहेगी और इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम आज पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना होगी। इसे देखते हुए पंजाब की रोपड़ जेल के बाहर और आसपास पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर दी है। मुख्तार को लाने के लिए गई टीम में पीएसी की भी एक बटालियन शामिल है। मुख्तार पर यूपी में भी कई संगीन केस दर्ज हैं। 100 करोड़ वसूली केस में सीबीआई की टीम आज मुंबई में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करेगी। सीबीआई पहले मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह का बयान दर्ज करेगी। परमवीर सिंह ने ही देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया है। सीबीआई को 15 दिन में मुंबई हाईकोर्ट को प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट देनी है। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद देशमुख कल दिल्ली पहुंचे और मशहूर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से रणनीति पर चर्चा की। इस बीच देशमुख की जगह दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री होंगे। मुंबई में एंटीलिया केस में एनआईए ने सचिन वाजे को लेकर सीएसटी स्टेशन के पास जीपीओ सिग्नल के करीब सीन रिक्रिएट कराया। एनआईए को शक है कि 4 मार्च की रात यहीं से होते हुए सचिन वाजे मनसुख की हत्या को अंजाम देने के लिए थाने गया था। इसी रात को मनसुख को फोन से बुलाकर उनकी हत्या की गई थी।